प्रदेश के बरेली में एक दोस्त की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक युवक ने अपने ही दोस्त का होटल के कमरे में प्राइवेट पार्ट काट दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद दोनों में झगड़े में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। घटना के पीछे की वजह असली कुकर्म की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की बात सामने आ रही है। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का उसके इलाके में रहने वाला संविदा के सफाई कर्मी से काफी लंबे समय से दोस्ती थी और दोनों का साथ में रहना भी होता था। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह कोतवाली क्षेत्र के एक होटल में दोनों युवकों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक युवक ने दूसरे युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया और इतना ही नहीं, धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में दूसरा भी युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरा भाई अजीत कुमार। अजीत बताओ क्या हुआ? मेरा भाई ड्यूटी जा रहा था, सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, बारिश स्टार्ट हो गई थी तो सुबह 4 बजे फोन आना स्टार्ट हो गया उस बंदे का, और नाम बता रहेगा वो सागर, तो तुतला के बोलता है दिल्ली में रहने लगाएगा, पहले सतीपुर में रहता था अब दिल्ली में रहने लगाएगा, तो उसको फ़ोन करके बुलाया गया था कि ऐसी ऐसी जगह यहाँ पे आ जा, तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया, और कितने लड़के थे कितने नहीं थे ये हमें नहीं मालूम है, वो सब उसे पता होगा। बहुत ज़्यादा गंभीर हालत है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम पे। क्या हुआ, क्या क्या किया है? उसके यहाँ पे छुरी मारी आएगी, हाथ पे मारी और ये मारा आएगा पूरा, ये सब बहुत ज़्यादा, उसके ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा नीचे से। क्या कारण था, क्यों ऐसा किया? ये इस बारे में हमें भाई से बात हुई होगी, भाई से बात करे, बस वो ये बोला था कि भाई दोस्त हैगा मेरा, वो बुला रहा था मुझे, मैं चला गया था मिलने के लिए, तो उससे भी नहीं मालूम था कि वो सब कुछ ये करेगा उसके साथ में। हाँ, किस प्लानिंग से आया था, बताया गया था कि वो गे था, उसने बुलाया था ये, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, क्यों बुलाया था, किसने बुलाया था, इस बारे में मुझे कुछ कहीं से कहीं तक नहीं मालूम है कि कौन था वो कौन नहीं था। हमने वो काम करता था, स्टाफ के सारे थे, एक बार घर पे आया था, ठीक है, उसके बारे में उसका पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, काम भी छोड़ दिया था हमने, हम लोगों के साथ में। आप लोगों को सूचना कैसी मिली? ये इसी का फ़ोन आया था हमारे पास, छोटे वाले भाई का फ़ोन आया था कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और मेरी स्थिति नहीं है बिल्कुल बोलने की, मैं बोल सकूँ, तुम लोग जल्दी से सिटी आ जाओ। क्या गोदाम पर बार की है, क्या किया है, क्या बता? ये घाव देख के ऐसा लग रहा है कि चाकू से ही वार कर रहे हैं उसके, क्योंकि घाव उसके काफ़ी गहरे हैं। ये यहाँ पे देखना पूरा क्रॉस बना हुआ है बहुत अच्छे से, उसका हाथ बहुत बुरी तरीके कटा हुआ है, ये भी पूरा कटा हुआ है उसका, बहुत ज़्यादा बुरी गंभीर हालत हो रही है उसकी। डॉक्टर जानना चाहेंगे, दो पेशेंट आए हैं, हालत सीरियस है, क्या मामला है, किस तरह के हो रहे हैं? जी जी, चुटेल आया है, पहले बबलू नाम का आया था, उसके गले में चोट थी और सिर पे भी चोट थी, नाक पे भी चोट थी, उसका प्राथमिक उपचार कर भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उसके कुछ समय बाद एक चुटेल और आया, उसके भी काफ़ी चोटें थी, हाथ पैर में और प्राइवेट पार्ट में भी चोट थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, उसको तुरंत शिफ्ट किया गया ओटी में और इलाज शुरू कर दिया गया है। क्या उसका प्राइवेट कार्ड काट दिया है, गया पार्ट है? बाकी सर्जन को रिफ़र कर दिया गया है, बाकी जो स्पेशलिस्ट हैं वो देख रहे हैं। हालत कैसी है दोनों की? दोनों ठीक हैं, पैसे होश में हैं, बोल चाल रहे हैं और सर्जन के हिसाब से जैसा भी होगा आगे कराई जाएगी। नहीं, घटना की जानकारी नहीं है, वो संबंधित पुलिस उसको देख रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।